किसान आंदोलन का आज पांचवा दिन है और चौथे दिन पंजाब की ओर से जब किसान अंबाला की ओर बढ़ने के लिए यहां शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं तो यहां धुएं जो आंसू गैस के गोले हैं उसके धुएं से एक बुजुर्ग किसान की मौत हुई और कई किसान जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं क्योंकि लगातार सामने से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं और रबड़ बुलेट्स भी चली हैं। तो और किसानों को मौत उनकी ना हो, हृदय गति ना रुके और जो धुआं चढ़ने से अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो वो ना हो, इसके लिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और ECG मशीन यहाँ पर कल से लग गई है ताकि जो बुजुर्ग किसान यहाँ पर आए हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अगर उनको धुआं किसी तरह का चढ़ता है या हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम है जो तुरंत उनका इलाज उपचार करती है। और एक शख्स, एक युवा देखिए यहाँ पर मौजूद है, इनके हाथ में भी किसी प्रकार की चोट है और पट्टी भी की जा रही है। तो यहाँ पर पट्टी से लेकर टांके भी लगाए जा रहे हैं, यानी एक जो इमरजेंसी जो भी नीड एक किसी पेशेंट को है इस दौरान जब संघर्ष चल रहा है, हालांकि सीज फायर भी है लेकिन कुछ लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं इस दौरान जब सामने से आंसू गैस का गोला दागा जाता है या किसी प्रकार की कार्रवाई की जाती है तो उसमें जो लोग घायल होते हैं उनको अस्पताल ना ले जाना पड़े या अस्पताल ले जाने के समय बचाया जाए, तुरंत त्वरित इलाज मिले, उपचार मिले, इसके लिए यहाँ पर एक टीम लगी हुई है, डॉक्टर्स की टीम है। और हाथ में भी चोट लगी है, उसका इलाज किया जा रहा है। देखिए एक चोट भी इनके यहाँ पर लगी है और इनके पट्टी यहाँ पर की जा रही है, जो एक बेड ला करके रखा गया, अगर किसी को बेहोशी अगर हो रही है, खड़े होने में दिक्कत आ रही है तो उनको यहाँ पर लेटा करके उनका उपचार किया जाए, ECG की जाए, चेस्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका उपचार किया जाए। तो आपके चोट लगी है, आप आगे की तरफ जा रहे थे? हाँ जी, आगे तरफ जा रहा था, आंसू गैस का गोला आया, मैंने हाथ में कैच करके बरली। कब ऐसा हुआ? परसों की बात है। परसों हुआ? हाँ जी। तो आप सिविल हॉस्पिटल भी गए थे इलाज करवाने? आई डोंट नो जी, अपना इतना ही पट्टी मेडिसिन जो कराई थी अतु कराई थी। अच्छा, यहीं से करवा रहे हैं पहले दिन से? हाँ जी। तो आपके हाथ में कितनी गहरी चोट आई? दो चोटें लगी हैं, एक यहाँ पे जख्म है, एक यहाँ पे। तो टांके भी लगे हैं? नहीं, टांके लगवाए थे मैंने, खुलवा दिए थे जी। टांके खुलवा दिए? हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? हम यहाँ से हैं, लोकली हैं जी। लोकली? हाँ जी। 13 तारीख से यहीं पर? हाँ जी, जब सब बैरिकेड शुरू हुआ था यहाँ पे, जब का बनाने लग रहे हैं हम यहाँ पे। हाँ जी। तो आप डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह। कितने पेशेंट्स ऐसे रोज आ रहे हैं? हम 13 को यहाँ पे थे जब ये स्टार्ट हुआ, तब नियर अबाउट 100 बंदे ने टांके लाई उस दिन, असी अप्रोक्सीमेटली 100 थे जिनके टांके लगाए गए उस दिन। कईयों के पीठ पे शरले थे वो निकाले हैं, और हमारे पास इतनी तैयारी नहीं थी उस वक्त कि हमें पता नहीं था कि इतना कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ कि वहां से बम्बार्डिंग हो सकती है, सॉल्ट आ सकते हैं। हमको फिर ये वापस जाकर हम सारे अपनी प्रिपरेशन दोबारा करके लाए हैं और अभी हम यहीं पर हैं जब तक ये आंदोलन चलेगा। हम यहीं पे फ्री सेवा कर रहे हैं और ये ऐसे चलेगा। एक किसान है 63 वर्षीय, वो देहांत हो गया, उनका धुआं चढ़ने से उनके पास आके गोला गिरा और वो एक्सपायर हो गए। हाँ जी। कल श्रद्धांजलि भी उन्हें दी गई। तो ऐसा और बुजुर्गों के साथ ना हो या किसी नौजवान के साथ ना हो, हार्ट अटैक ना आए या धुआं चढ़ने से उनको परेशानी ना हो, ऐसे इसके लिए क्या कुछ इंतजाम? जी, हमने जितनी हम मेडिकेशन लाते हैं उतने लेके हम ECG मशीन लेकर आए हुए हैं, ऑक्सीजन वेंटिलेटर पूरा हमारे पास सावधान यहाँ पे किया हुआ है। हम लोगों ने गाड़ी भरी हुई है सामान की। वेंटिलेटर का भी मिनी वेंटिलेटर है जी, वो मिनी वेंटिलेटर है, इट्स अ टाइप ऑफ वेंटिलेटर, प्रॉपर वेंटिलेटर नहीं, मिनी वेंटिलेटर होता है। ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर करने के लिए वो सब लेकर आए हुए हम लोग यहाँ पे। मतलब हमारे तो से उतना पूरा सावधान किया गया है कि जितनी हम कोशिश कर सके उतना हम कर पाएंगे। मतलब अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो हम प्रॉपर हम उसकी केयर कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, तो वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा वो होगा। टीम है, अभी एक टीम गई हुई है पीछे, बुजुर्ग हैं ट्राली में, उनको ड्रिप लगाने के लिए गए हुए हैं वो लोग। हाँ जी, वहाँ पे ड्रिपिंग, वो वहाँ पे ड्रिप लगा रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। या तो वो उधर गए हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे। गुड नेम है जी आपका? मेरा जसप्रीत सिंह जी, मैं लुधियाना से हूँ जी। लुधियाना से हम सारी, हम पूरी टीम लुधियाना से है। हम हमारा कम्फर्ट होम केयर के नाम से साधन है, हम लोगों के घर में होम केयर प्रोवाइड करते हैं जी। जी हाँ जी। तो जो धुआं अगर चढ़ता है तो जैसे धुआं चढ़ा और जैसे ज्ञान सिंह जी की भी जैसे मौत हुई है जी सर, और धुआं चढ़ा तो कितनी देर में उनको उपचार मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है? देखिए, जो पहले स्मोक ग्रेनेड होते थे उनका केमिकल कुछ और होता था, जो आजकल के स्मोक ग्रेनेड आए हैं ये हम भी हैरान है, बिकॉज वी हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ केमिकल, कभी देखा नहीं है कौन सा केमिकल है, क्या नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर वहां से कोई ऐसी चीज आती है तो हमें
अपनी आंखों पे उनको दबा के मलना नहीं आंखों को, क्योंकि अगर हम आंखों को मलेंगे तो वो उसकी रिएक्शन बढ़ती है, जिससे इवन के बंदा ब्लाइंड तक हो सकता है जी। तो हमें क्या है कि हम उसका ये कि उसको आंखों को हल्का बंद करके सिर्फ पानी से वॉश कर लें, छिट्टे नहीं मारने, वॉश करके रेस्ट कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, उसका और कोई इरादा नहीं है जी। आंखें बंद रख सकते हैं हाँ जी। और सेकंड है वो यहाँ पे कर रहे हैं लोग कि भी अपने आप को जैसे ही वो उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं पीछे आ जाए, अपने आप को वॉश, फेस वॉश कर लें, आंखों को वॉश कर लें थोड़ी देर के लिए, नाक को मास्क पहनना जरूरी है, सबके लंग्स में अगर जाता है उसके लिए मास्क चाहिए सर, फेफड़े कलेप्स कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी, वो केमिकल है जी, कईयों के होता है, कईयों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लोग झेल जाएंगे, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनके साथ वो इट कैन टेक एनी पाथ। कितने पेशेंट्स ऐसे आए जिनको ईसीजी की जरूरत पड़ी, आपको लगता है कि उनके हार्ट में, सीने में कोई प्रॉब्लम? ईसीजी का फिलहाल कोई पेशेंट नहीं आया सुबह से हमारे पास, अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया। हाँ बीपी हम रेगुलर चेक कर रहे हैं, लोगों के बीपी हाई भी आ रहे हैं, तो उसकी मेडिकेशन करी जा रही है जी। तो देखिए जो यहाँ पर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं उनका इलाज लगातार यहाँ पर किया ही जा रहा है, टांके भी लगाए जा रहे हैं, और खासतौर पर क्योंकि जब ज्ञान सिंह जी की कल मृत्यु हुई तो ऐसा किसी और बुजुर्ग के साथ, किसी नौजवान के साथ ना हो, तो इसका भी खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। मिनी वेंटिलेटर भी इन्होंने बताया यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। कुछ और लोग हैं हिमाचल की टोपी पहने हैं, तो ये जरूर हिमाचल से होंगे, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी से हूँ। और जी और बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो इससे पहले भी मैं 13 महीने किसान आंदोलन में रहा हूँ, और दूसरी बार ये फिर आंदोलन स्टार्ट हुआ है तो वहाँ इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हैं समर्थन। आप क्या करते हैं वैसे? बस सोशल काम, सोशल वर्कर। जी जी जी। तो अब की बार जो वार्ता चल रही है शंभू बॉर्डर पर रहकर, आपको लगता है कि अब समाधान निकले? अब आप देखिए ये बड़े हैरानी की बात है, जिस तरह का जो सरकार कर रही है, बताइए किसान अपने शांतिपूर्व तरीके से दिल्ली जाने की बात कर रहे थे कि अम्मा जो इन्होंने वायदा किया था, जो पीछे 13 महीने आंदोलन चला जिसमें हालांकि हमने 700 से 800 किसानों की शहादत हुई उस पे, और 60,000 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की, जेल गए लोग और जख्मी हुए, लाठीचार्ज हुआ, और 13 महीने जो लोग है पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बरसात, बच्चे 80-80 साल के बुजुर्ग, महिलाएं सब जो है उस आंदोलन में हिस्सा लिया, उसके बाद जो है सरकार मानी थी, जो 3 काले कानून वापस लिए थे, और उसके बाद जो है जो जितनी भी किसानों की जो डिमांड थी उसको माना था। आज देखिए आप 2 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन सरकार ने उस जो मतलब किसानों से जो एग्रीमेंट बनाया था, जो बात की थी, उसको लागू नहीं किया। अच्छा आप क्या समझते हैं, कल फिर बातचीत होनी है, कल फिर चंडीगढ़ में मीटिंग है और चौथे दौर की वार्ता है, आपको लगता है कि कल कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा? देखो जी जो आगुआ की मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि अगला प्रोग्राम है, सिटा निकलता है। हम 13 तारीख से इधर ही तकरीबन आज 5 दिन हो गए हैं, आज 17 तारीख हो गई है, जो शंभू बॉर्डर पर डेली बमबारी होती है, काफी लोग गंभीर हुए हैं जिन्हें चोटा लगी। जो ऐसी संस्थाएं हैं जो निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवा रहे हैं, जो इलाज दिलवा रहे हैं, कैसा किस तरह से देखते हैं इन लोगों के काम? ये काम बहुत वधिया, बहुत सेवा कर रहे हैं, मनो तनो सेवा कर रहे हैं, ये भी 13 तारीख से इधर ही लोगों की सेवा कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, BP की दवाई दे रहे हैं, होर किसी चोट लगती है जो उन्हों का फर्स्ट एड करते हैं, टांके भी लगाते हैं। देखिए एक बुजुर्ग यहाँ पर है, उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है कि आखिरकार उनको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है, हम इन्हीं से जान लेंगे। बापूजी की प्रॉब्लम आ रही है? बीपी वधदा बहुत। बीपी वधदा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा कि बेचैनी होती है? अब बेचैनी होती है, समझ गए। अच्छा तो कितों तुसी? मैं गुरदासपुर जिला। गुरदासपुर तो आए हो, ठीक है। तो गुरदासपुर से आए हैं ये, और कल यहाँ पर एक गुरदासपुर के ही ज्ञान सिंह जी की मृत्यु भी हुई, उनको शहादत यहाँ पर शाम को उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। और जो बुजुर्ग यहाँ पर खास तौर पर हैं, क्योंकि अभी भी सुबह और शाम की सर्दी है, दोपहर को बेशक धूप निकलने से थोड़ा गर्मी का माहौल होता है, लेकिन शाम और सुबह की ठंड इनको ना लगे, और अगर कुछ इस तरह की परेशानी होती भी है तो कम से कम उसे समय रहते डिटेक्ट किया जा सके, समय रहते हुए उनको उस उपचार दिया जा सके, इसकी कोशिश, इसका प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो बीपी इनका कितना निकलता है, क्योंकि इनकी शिकायत है कि ब्लड प्रेशर इनका हाई हो रहा है। तो इलाज यहाँ पर देखिए, तुरंत जो डॉक्टर्स की टीम, जसप्रीत अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर ही मौजूद है, तो उपचार इन लोगों को दिया जा सके ताकि किसी प्रकार की और कैजुअलिटी ना हो। देखिए नंबर आ चुका है और बीपी हाई है, 100-153 यहाँ पर आया है और बीपी हाई है,
बीपी कितना हाई निकला सर? इनका 153/100 है जी। 153/100। जेनुअन कितना होना चाहिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, या वैसे भी अगर कोई देख रहे हैं? जेनुअन जेनुअन होता है 120/80 है, और क्योंकि स्ट्रेस लाइफ है, थोड़ा चल फिर भी रहे हैं, तो 130 तक नॉर्मल कह सकते हैं। 130-135 तक नॉर्मल, क्योंकि रात को सोते नहीं है ढंग से, ज्यादा सो नहीं पाते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रही, बेड्स नहीं है प्रॉपर इनके पास, स्ट्रेस होने की वजह से भी थोड़ा बढ़ता है जी। 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 15-20 और है तो इनको आप, तो ये हाई है जी, तो इनको मेडिसिन दी जाएगी। पहले हम पूछते हैं कि अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं, कि अगर भी मेडिसिन ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं वही लें, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जी। हाँ जी, तुसी कोशिश यही करो कि पहले एक बार बीपी चेक कराओ, फिर ही गोली खानी। बिना बीपी चेक कराए तुसी गोली नहीं खानी। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, 3-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਬਾਬੇ ਆ ਸ਼ਕੋ ਗੋਲੀ। तो दवाई भी देखिए, साथ ही दवाई भी यहाँ पर मरीजों को दी जा रही है, और ऑक्सीजन मास्क भी यहाँ पर आप देखेंगे रखा हुआ है। ऑक्सीजन की अगर जरूरत यहाँ पर किसी व्यक्ति को पड़ती है तो तुरंत उसे सांस, कृत्रिम सांस भी दी जाती है, ताकि जिंदगी अगर किसी की दिक्कत में है तो उसे बचाया जा सके। डॉक्टर साहब की नाम है आपने? मेरा नाम प्रताप सिंह है जी। प्रताप सिंह जी, हाँ जी, ऑक्सीजन भी मैं देख रहा इतना रखा हुआ है, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਫਸਟ ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਐਂਬੂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਅਨਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੜਬੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ 2 ਗੱਡੀ ਚ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਐਂਬੂ ਮਾਸਕ ਕੋ ਹੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿੰਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ? ਮਿੰਨੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਟਾਈਪ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਔਰ ਸਾਥ ਮੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕਾ ਕਾਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੋ ਹਮਕੋ ਲੰਗਸ ਕੋ ਫਲਾਵਟ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫ ਨੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੈ? ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਜੋ ਹਮੇ ਲਗਾ ਨੀਡਿਡ ਹੈ ਵੋ ਸਮਾਨ ਹਮਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਰੱਖਾ ਹੈ ਡ੍ਰਿਪ ਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਮੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਉਨਸੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਮੇ, ਪਿੱਛੇ ਮੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਡ੍ਰਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਥ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਉਨਕੋ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਾਥ ਮੇ ਹਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। कितना सामान है आप लोगों के पास, कितनी दवाइयाँ और कितना ग्लूकोज? कितना अप्रोक्सीमेटली हमारे पास हो सकता है 3-4 दिन का हम स्टॉक लेके चले ही हैं, बाकी अगर लगेगा तो हमारे पीछे बंदे हो, हमें उसना साथ की साथ वगैरह भी चेक कर रहे हैं? नहीं सर, शुगर नहीं, शुगर का हम थोड़ा सम रीजन है इसलिए हम नहीं चेक कर रहे, क्योंकि ऑन दिस बोर्ड अगर हाई आती है तो पेशेंट क्या होता है, स्ट्रेस ले जाते हैं, तो इसलिए हमने वो चीजें नहीं रखी जो नहीं चाहिए। जहाँ पे बीपी वगैरह का वो कॉमन बात है, शुगर का होता है जो स्ट्रेस होता है साथ के साथ शुगर अप हो जाती है, इसलिए हमने शुगर का सेटअप नहीं रखा। टांके लगा ही रहे हैं आप? हमने लगा रहे हैं, 13 को भी हम आए थे, 13 को 100+ हमने पेशेंट्स को स्टिचेस करी है, अभी भी हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है। अच्छा, आप लोगों की वजह से अस्पतालों का लोड थोड़ा जरूर कम होगा? कम होगा, हाँ जी सर, बिल्कुल होगा जी। देखिये, मेन बेसिक केयर जो फर्स्ट एड है वो जरूरी होती है, अगर हम फर्स्ट एड फर्स्ट स्टेप पे उनको एड दे सकते तो उनका पीरियड बढ़ जाता है, वो आगे हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको राहत मिल जाएगी, टाइम और मिल जाएगा, तो अपनी केयर प्रॉपरली वहाँ पे भी हो सकती है, और हम लोग प्रॉपर चार्ट बना के देंगे कि हमें उनका ये केयर उनकी की जा चुकी है। गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान, दवाइयों का सामान रखा होगा ना? पीछे से आप दिखा सकते हैं कि गाड़ी में आखिरकार सामान क्या क्या रखा है, और देखिए पूरी तरह से ये गाड़ी भरी पड़ी है। भरी पड़ी है हमारा, ठीक है जी। नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं, ड्रिप्स रखी हुई है, जो सारी मेडिसिन हमारी 3-4 दिन का स्टॉक रखा है हमने, जो हमारा मॉनिटर है जो बाहर रखा है उस साइड चलिए, सारा ड्रिप का सामान है, कॉटन है, टांके का सामान सारा पड़ा है। अब इस साइड से दिखाएंगे तो हमारा सारा पट्टी का सामान पड़ा है, ये सारे हमारे फर्स्ट एड है, ऑलमोस्ट हमने गाड़ी अपनी फुल रखी है कि हम सिर्फ अपने बैठने के लिए स्पेस लेके आए। बिल्कुल जी, तो देखिए ये कहते हैं ना कि इंसानों की जो सेवा है, मानव सेवा सबसे उत्तम सेवा है, और बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पर संस्थाएं, तमाम संस्थाएं हैं जो यहाँ पर टिकी हुई हैं। ये भी एक संस्था है, लुधियाना से ये लोग आए हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर हमने अब तक दिखाई दिए यहाँ पर रखे हुए हैं, बीपी चेक मौके पर ही किए जा रहे हैं, कई सुविधाएं हैं, टांके भी दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति को तुरंत नीड अगर एम्बुलेंस की है तो एम्बू मास्क भी इनके पास है, ताकि उसको उनके फेफड़ों को सांस दिया जा सके, उनको ऑक्सीजन दिया जा सके, ताकि किसी प्रकार की समस्या उनको ना आए। अगर उनकी जान आफत में है, सांसत में है, तो उसको बचाया जा सके, क्योंकि कल एक बुजुर्ग की मौत यहां पर हुई थी,
उससे बहुत लोगों ने सबक भी लिया है, पिछली बार की आंदोलन की सीख भी इन लोगों के पास है, और हादसे ना हो, कोई और जान ना जाए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये आंदोलन जो दूसरा आंदोलन है उसकी पहली मौत है, और भगवान करे ये पहली ही रहे, इसके आगे किसी और शख्स की जान ना जाए। नौजवान आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फायर हो रहा है, बुजुर्ग आगे की ओर आ रहे हैं तो आंसू गैस का गोला चढ़ जाता है, ठंड से प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, फेफड़ों को प्रॉब्लम आती है, इस तरह की कई बीमारियां खास तौर पर बुजुर्गों को हो सकती है जो घर बार छोड़ करके यहाँ है, पुल क्रॉस करके चढ़ करके आते हैं, काफी ज्यादा चल करके आते हैं, तो दिक्कतें बहुत सी होती है। इन सभी दिक्कतों से बचा जाए, डॉक्टरों की टीमें, हर आपको 100 मीटर बाद एक डॉक्टर की टीम यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगी, और मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, परेशानी लोगों को कम हो इसके लिए इलाज जारी है। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, शंभू बॉर्डर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।